हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम स्वीट स्टाइल आलू मटर टिक्की चाट, जो कि बहुत डिलीशियस लगने वाली है और एकदम ठेले जैसे बनेगी। लोगों को पसंद तो बहुत आती है पर मेहनत ज़्यादा लगती है, तो बाहर जाकर खाना ही प्रेफर करते हैं। तो पर आज की जो रेसिपी है बहुत ईजी है, आप इसे झटपट घर पर बना सकते हैं और एकदम स्वीट स्टाइल ठेले वाला जो टेस्ट आता है ना चाट का, वैसा ही टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रात भर भिगो के रख दिए थे वाइट मटर। उसके बाद सुबह हम इसे एक प्रेशर कुक कर लेंगे एक तेज पत्ते के साथ 10 से 12 विसल के लिए, जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाते। आलू टिक्की के लिए यहाँ पे मैंने मैश्ड बॉयल पोटैटोज ले लिए, उसमें थोड़ा सा जीरा रेड चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा नमक डाला है, हरा धनिया डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है और थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट किया था, आप ऐसे भी मैश कर सकते हैं। इसके बाद इसकी स्मॉल साइज़ की टिक्की बना लेंगे और उसे फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए। जब भी आप कोई टिक्की बनाते हैं तो उसे रेफ्रिजरेट करें तलने से पहले, तो इसका टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद बॉयल मटर में मैंने यहाँ पे इमली का पानी डाला है, थोड़ा नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाला है, आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डाला और आखिरी में मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। सारे मसाले मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम हमारी टिक्कीज को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप तेल या घी किसी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट आप घी में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। धीमी आंच पे फ्राई करें। थोड़ी सी पकने के बाद हम इसे मैशर से जेंटली से प्रेस कर देंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। उसके बाद ये अच्छे से गोल्डन कलर में हो जाए, क्रंची हो जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे प्लेट में मैंने बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी आलू टिक्की रख ली है। उसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म हमारा मटरा डालेंगे, ऊपर से डालेंगे दही, दही में थोड़ी सी शक्कर डालें। इसके बाद डालेंगे मीठी चटनी, इसके बाद ऊपर से डालेंगे हरी चटनी और यहाँ पे मैंने पुचका या कोई भी क्रिस्प आप मटरिया क्रिस्पी उस पर ऊपर से डाल सकते हैं। आखिरी में उसमें चाट मसाला डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस बनी थी, तो आप ज़रूर से घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी एंड फॉलो करें।